आंखें बंद करके बयान दे रहे हैं। कोई दोष नहीं है नुपुर शर्मा का, उसने तो वही बातें कही है जो कुरान में लिखी हुई है। कुरान में लिखा हुआ है कुरान में लिखा हुआ है कि धरती चौकोर है। बोलो धरती चपटी है या गोल? और धरती गोल है इसलिए हमको एक विषय पढ़ाते थे, उस विषय का नाम है भूगोल। क्यों? क्योंकि भूमि कैसी है? लेकिन ये इतने कट्टरपंथी है, उपग्रह ने फोटो भेज दिए गोल धरती के, लेकिन उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। चलेंगे सीधे, धरती का किनारा आ जाएगा, नीचे गिर जाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। उड़ता हुआ घोड़ा नुपुर शर्मा ने अपने मन से नहीं कहा। आयशा का विवाह 6 साल में हुआ और 9 साल में उससे शारीरिक संबंध बनाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान में लिखा हुआ है। और इनका जो मामा है, जाकिर नाइक, आपने सुना जाकिर नाइक के बयान? जाकिर नाइक ने कहा है, जनसत्ता अखबार ने लिपापोती करके उसको 9 साल से 19 साल का बना दिया, लेकिन जाकिर नाइक ने कहा जनसत्ता ने गलत लिखा है। आयशा की उम्र कितनी थी? कोई गलत नहीं बोला। मुल्ले और मौलवियों को आगे आकर के बोलो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन जाकिर नाइक बोलेगा तो कोई विरोध नहीं करेगा, और हमारा कोई व्यक्ति बोलेगा तो सारा आसमान सिर के ऊपर उठा लेंगे। कारण? कारण हिंदू जग रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। हिंदू जग गया तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया? आपने वो गीत सुना होगा ना, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? तो आपका क्या होगा ये जानते हैं, इसलिए ये विद्रोह कर रहे हैं। भाइयों, मैं आपको कहता हूं, आपने रामायण पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, गीता पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, वेद देखे हो या नहीं देखे हो कोई बात नहीं, आप सबसे निवेदन करता हूं आप कुरान पढ़िए। क्या पढ़िए? कुरान। और यदि कुरान पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा गीता क्यों पढ़नी चाहिए। जब तक कुरान नहीं पढ़ोगे आपको गीता क्यों पढ़नी चाहिए समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग हिंदू धर्म ग्रंथ, हम तो चलो बचपन से माता पिता दादा दादी नाना नानी हमको संस्कारों में सिखा देते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में वो हमको बता देते हैं, प्रैक्टिकली बता देते हैं, लेकिन उसको नहीं पढ़ते। उसको पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी कि ये जो बातें हैं उठ कहां से रही है। और जब उनकी पुस्तकें उनको अधिकार दे रही है, मारने का उनको अधिकार दे रही है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं मारेंगे? इसलिए कई देशों के अंदर कुरान के ऊपर क्या लग गया है? बैन लग गया, प्रतिबंध लग गया है। कारण? सब चीजें वहां से निकल रही है। इसलिए आप सब लोग कुरान जरूर पढ़ना, आपको सारा चित्र समझ में आ जाएगा। भाइयों, हम सब लोग संगठित थे, एक थे, इकट्ठे होते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, सत्यनारायण की कथा करते थे, कुंभ में जाते थे, मंदिरों में शाम को इकट्ठे होते थे, ये सब हम भूल गए। त्रिकाल संध्या करते थे, हम सब भूल गए, लेकिन हमारी बातों को उन्होंने पकड़ लिया, इसके कारण आज वो मजबूत और आगे बढ़ रहे हैं। अपने को भी, जिसके कारण हम महान थे, जिसके कारण हमारी संस्कृति और सभ्यता के डंके दुनिया में बजे, वो चीजें हमको वापस करनी पड़ेगी। और उसमें से जो सबसे पहली और आवश्यक चीज है, वो चीज है जो आज सब लोग इकट्ठे हुए हो, हम सब लोगों को मुट्ठी की तरह बंधना पड़ेगा। राजपूत अकेला पूरा नहीं है, जाट अकेला पूरा नहीं है, ब्राह्मण अकेला पूरा नहीं है, एससी और एसटी के लोग अकेले पूरे नहीं है, ये जब सब मिलेंगे तो जाकर के पूरे होते हैं। इसलिए जातिवादी भावना से ऊपर उठना, और हिंदू हम सब एक। दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं, एक होते हैं अच्छे काम, गायों को चारा डालना, पक्षी को चुग्गा देना, प्याऊ लगाना, कहीं पेड़ लगा देना, कहीं शेड लगा देना, कुर्सियां लगा देना, ये सब अच्छे काम है। लेकिन दूसरे काम होते हैं आवश्यक काम। हिंदू इस बात को नहीं समझता, मुसलमान इस बात को समझता है। इसलिए मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप में से कोई भी मेरे को मुसलमान के बनाई हुई प्याऊ दिखा सकता है क्या?
मुसलमान का बनाया हुआ पक्षी चुगा कर बना सकता है क्या कोई? बता सकता है क्या कोई? मुसलमान कभी पेड़ लगाता है क्या? कभी लंगर चलाता है क्या? गौशाला या धर्मशाला हॉस्पिटल बनाता है क्या? अरे कभी भूकंप और बाढ़ आ जाए तो फटी हुई लुंगी और पजामा तक नहीं देता। वो प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर फूटी कौड़ी 5 पैसे भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बेवकूफी के काम कौन करता है? हिंदू करता है। इसलिए वाटर कूलर लगाएगा हिंदू, पानी कौन पिएगा? हाँ, आप कहीं वाटर कूलर नहीं बता सकते जिसमें लिखाओ कि इसका निर्माण या इसकी स्थापना अल्लाह बख्श लोग खुदा बख्शने की, कहीं नहीं देख सकते। सब हिंदुओं के नाम आते हैं। लेकिन दूसरा काम होता है आवश्यक काम, और वो आवश्यक काम हर शुक्रवार को बोलो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद जो मौलवी खड़ा होकर के उनके अंदर जो विद्रोह की भावना भरता है, उसके अंदर कट्टरवाद ठूंसता है, इसी के कारण तो जब नमाज पूरी करके निकलते हैं तो उन लोगों के हाथों में पत्थर होते हैं, और हमारा व्यक्ति जब पूजा करके निकलता है तो उसके हाथों में प्रसाद यानी लड्डू होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। इसलिए हम सब लोग ये जो अच्छे काम है, अच्छी बात है, करना ही है, लेकिन हम सबको आवश्यक काम करना है, और वो आवश्यक काम है संगठन, संगठन, संगठन। इसलिए आप सब लोग किसी न किसी संगठन से जुड़ो, संघ की शाखाओं में जाओ, बजरंग दल के अखाड़े में जाओ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति से अपने घर की बहन बेटियों को, महिलाओं को जोड़ो, और नहीं जोड़ा तो आने वाले समय में हमारा भविष्य अंधकार में, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, गौ माता सुरक्षित नहीं रहेगी, मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये महाराज सुरक्षित नहीं रहेंगे, और जब हम ही नहीं रहेंगे तो बोलो देश बचेगा क्या? देश कंकर पत्थर से नहीं बनता है, देश बनता है समाज से, और उस समाज के अंदर एक उसको जिंदा रखने वाली चीज होती है, वो है संस्कृति। इसलिए हम सब लोगों को हिंदू संस्कृति को जिंदा रखना है, और इस जिंदा रखने का काम कौन करता है? ये संघ और संघ से जुड़े हुए संगठन करते हैं। इसलिए आप सब लोग इसमें जुड़िए। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम और इमरजेंसी काम। इमरजेंसी काम है संगठन का, वो ये संगठन कर रहा है, आप सब जुड़िए। सद्गुण विकृति, हम घर में देवताओं के फोटो लगाते हैं, सबके हाथ में हथियार हैं, लेकिन बोलो हमारे घर में हथियार मिलेगा क्या? यदि कन्हैया जी के आसपास की दुकानों के अंदर सबके अंदर यदि लठ होता, यदि फावड़े का डंडा होता, छोटा मोटा लोहे का सरिया होता, तो बोलो वो दोनों अपराधी वहां से जिंदे जा सकते थे क्या? नहीं जा सकते थे। तुम भवानी का फोटो लगाओ, अष्टभुजाधारी 8 हाथ है, लेकिन घर के अंदर तो सब्जी काटने का अच्छा चाकू भी नहीं है, तो भवानी आकर के तुम्हारे जैसे लोगों की मदद और रक्षा नहीं करेगी, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। कानून की मर्यादा में जो है वो घर में रखो, और जब हथियार हाथ में आता है आपकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए देवताओं को पूजो मत, उन्होंने जो किया है, उनका जो रूप है, उनके जो हाथ में, वो सब चीजें हमारे हाथ में होनी चाहिए। अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज होना चाहिए, सब लोगों को लगे उस संगठन से जुड़ा हुआ है। और कल अजमेर के अंदर मुसलमानों ने मीटिंग करके तय किया है कि कोई हिंदू समाज से कोई चीज नहीं खरीदेगा, तो हम तय नहीं कर सकते कि हम जो चीज खरीदेंगे हिंदू से खरीदेंगे? हमारे घर में यदि टीवी खराब हो गई तो मिस्त्री कौन आएगा? फ्रिज खराब हो गया, मिस्त्री कौन आएगा? कूलर खराब हो गया, एसी खराब हो गई, टूटी खराब हो गई, चिचकली खराब हो गई, ठीक करने के लिए कौन आएगा? और आजकल तो घर पे खाने के ऑर्डर देते हो, मोटरसाइकिल लेकर आता है और डब्बा बांध के पीछे, कौन आएगा? और जो हिंदू होगा उसी की दुकान से हम जाकर के माल खरीदेंगे। आज दुनिया के अंदर इन बदमाशी के कारण पूरी दुनिया के अंदर थू-थू हो रही है मुसलमानों की, सब लोग इनको गलत नजरों से देख रहे हैं। कल हमको एक आदमी मिला, काम चल रहा है, मैंने नाम पूछा, उसको बोलते हुए अपना नाम शर्म आ रही थी, कारण ऐसे हथकंडों के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। इसलिए जो कुछ अच्छे लोग होंगे उनको मैं कहता हूं आपको आकर के बयान देना चाहिए, लेकिन भाइयों कोई भी मुसलमान इनका समर्थन करने वाला क्यों? क्योंकि मुसलमान हमेशा मुसलमान होता है, उसके लिए देश समाज कुछ नहीं होता है, सबसे पहले मुसलमान। इसलिए
हिंदू समाज का विरोध करने वाला सबसे पहले कौन होता है? हिंदू होता है। कई लोग फेसबुक पे बैठे बैठे घर के अंदर मैसेज इधर से उधर करते हैं और कोई बोलता है तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं, लेकिन जब ताकत दिखानी होती है तो कोई नहीं आता। ऐसे जो निष्क्रिय लोग हैं, जब देश संकट में पड़ा हो और लोग दूर खड़े देखते रहते हैं, वो शत्रुओं को ही प्रसन्न करने वाले होते हैं, यानी वो भी शत्रुओं के समान ही है। इसलिए आप सब लोग राय बहादुर मत बनो, मैदान में आकर के काम करो, और नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य चौपट।